नमस्कार, सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी इस समय G20 की समिट के लिए तैयार है, सजधज के तैयार है। भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने जम के तैयारियां की है। दिल्ली का रंग रोगन बिल्कुल नया हो गया है, सजावट की गई है, सभी व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है। कुछ देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अध्यक्ष स्टेट्स हेड हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है और पूरे साल भर से देश के 60 शहरों में G20 की अलग अलग विषयों पर बैठकें हुई है। इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान इस G20 की बैठक में शामिल हो गया। उसमें कुछ शासित भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी थे, कुछ नॉन बीजेपी स्टेट जो गवर्नमेंट थी वहां पर भी हुआ, लेकिन देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे राज्यों के अलग अलग शहरों में इन बैठकों का आयोजन किया गया, जिसका फायदा यह हुआ कि वहां पर पर्यटन को, वहां के कल्चर को, वहां के आर्ट को मौका मिला और वहां भी उन शहरों का मेकओवर करने में एक मदद हुई है, डेवलपमेंट करने में मदद हुई है और दुनिया को हिंदुस्तान की संस्कृति, कला और पर्यटन को देखने का मौका भी मिला है। तो ये एक बड़ा काम हुआ और अब जो है G20 के शिखर सम्मेलन की बैठक दिल्ली में हो रही है, 9 और 10 सितंबर को होगी। G20 ग्रुप में शामिल देश आप जानते होंगे, 19 देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की यानी टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसमें शामिल है और 20वां सदस्य यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन के जो देश है, समूह जो है ग्रुप, उसको शामिल किया गया। इसके अलावा भारत ने 9 देशों को इसके अलावा आमंत्रित किया है। उसमें है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो इस तरह से 29 देश इसमें शामिल हो गए। शिखर सम्मेलन में जो बड़े नेता, जिन्हें दुनिया के बड़े नेताओं में शामिल किया जाता है, शुमार किया जाता है, उनमें वो लोग हैं राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का नाम भी शामिल है। राष्ट्रपति के अलावा जो सबसे बड़ी ताकत यदि देखा जाए कि G20 की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस ताकत को समझे कि इन सदस्य देशों, जो 20 सदस्य देश हैं, उनकी जो GDP है वो 85% है दुनिया की। 85% GDP इन 20 देशों की है और 75% ग्लोबल ट्रेड इन देशों के साथ होता है और दुनिया की 2/3 आबादी इन देशों को रिप्रेजेंट करती है। दुनिया की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, जो G20 के फैसले होते हैं, G20 में डिस्कशन होते हैं। तो ये तो मसला है G20 का। G20 की शुरुआत वैसे तो 1999 में हुई थी, जब एशिया में आर्थिक संकट आ गया था और उस समय वहाँ के इन तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से आर्थिक मंदी आई 2007 में, तो 2007 में इन देशों के स्टेट्स के जो हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको भी शामिल करने का फैसला किया गया। राष्ट्राध्यक्ष हुए और पहली बैठक 2008 में अमेरिका में वॉशिंगटन में हुई। उसके बाद से लगातार 17 बैठकें हो चुकी है। 18वीं बैठक हिंदुस्तान में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मेजबानी कर रहे हैं, उन्होंने तमाम इंतजामों को देखा है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों से भी बात कर रहे हैं। और जो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका मसला क्या है, इसमें 3 मसले सबसे महत्वपूर्ण है जिनकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है। एक है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आना। खबर आई थी कि जो बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन, उनको कोविड हो गया है, तो ये आशंका हो रही थी कि शायद जो बाइडेन नहीं आए, लेकिन जो बाइडेन ने तय किया कि वो भारत आ रहे हैं और कल सुबह यहाँ पहुंचेंगे, G20 में शामिल होंगे और उनकी पहली जो है बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ हो रही है। इस पूरी समिट की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच में होने वाली है। जो बाइडेन पहली बार भारत आ रहे हैं अपने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, ताकत बढ़ी है, सिनर्जी बढ़ी है, प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें भी गर्माहट बढ़ी है। यदि हम राष्ट्र के स्तर पर देखें तो हमारा जो ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच में, वो उन कुछ देशों में से शामिल है जहां पर हम ट्रेड प्लस में हैं, यानी अमेरिका में हम ज़्यादा सामान बेचते हैं और वहां से कम खरीदते हैं। करीबन करीबन 33 अरब डॉलर का
ट्रेड प्लस इस समय है और भारत सरकार चाहती है कि वो ट्रेड प्लस बना रहे। दूसरा बड़ा मुद्दा है स्ट्रेटेजिक का, हथियारों की खरीद का। तो भारत जो है रूस के बाद अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। करीब 15% हथियारों की खरीद हमारी अमेरिका के साथ होती है और 50% जो खरीद है वो रूस के साथ होती है, तो स्ट्रेटेजिक तौर पर भी। और अमेरिका भारत के संबंधों की मजबूती जो है चीन के साथ जो नाराजगी है, चीन का जो व्यवस्था है देश की दुनिया के मैप पर, ग्लोबल मैप पर, उसको अलग थलग करने की कोशिश भी मानी जा सकती है। जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनको लेकर तमाम तरीके की बात हो रही है, ये साफ हो गया कि वो इस G20 बैठक में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बताया गया है कि वो नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो पिछली बैठक में इंडोनेशिया की बैठक में थे और उसके पहले उन्होंने कुछ वर्चुअल बैठक भी की थी। जिनपिंग के लिए ये पहला मौका होगा, जब वो 2012 में सत्तासीन हुए थे चीन में, उसके बाद पहला मौका होगा कि वो G20 की बैठक में शामिल नहीं हो रहे, वरना वो पिछली जितनी बैठकें हुई हैं उनमें वो शामिल थे जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से, यानी 2012 से। और अभी पिछले महीने जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर भी जिनपिंग वहाँ गए थे, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और नरेंद्र मोदी ने जो चीन सीमा विवाद है, भारत चीन सीमा विवाद, इस पर चर्चा की थी। और खासतौर से जो चीन का और विवाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अक्सर चीन को लेकर जो उन्होंने नक्शे में शामिल किया, इस पर भी विवाद बढ़ गया है। तो लग रहा था कि क्या जिनपिंग इस सब विवाद से बचना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी है। और वो भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर भी परेशान है, वो इस बात को रजिस्टर नहीं करना चाहते, इस बात पर मोहर नहीं लगाना चाहते कि G20 के देशों में भारत जो है एक बड़ा कैप्टन, बड़ा बादशाह के तौर पर निकल कर आई, इस बात को वो मोहर नहीं लगाना चाहते। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि जिनपिंग ने यहाँ आना नहीं आने का फैसला किया। उन्होंने अपने जो प्रीमियर हैं लियांग साहब, उनको भेजा है लियांग, हालांकि चीन की सरकार ने कहा है कि लियांग साहब यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि वो चीन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसके इंचार्ज भी हैं, तो इसलिए। और उन्होंने कहा है चीन की सरकार ने कि वो G20 की समिट को बहुत गंभीरता से लेती है और आर्थिक मसलों पर वो जुड़ी हुई है G20 के देशों के साथ। लेकिन ये अलग बात है, हालांकि ब्रिक्स में बताया गया कि चीन की जीत हुई है जब जिनपिंग ने अपनी पसंद के तमाम विरोधों के बाद भी 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला मनवा लिया ब्रिक्स की समिति में, और इस बार वो नहीं आ रहे हैं। पुतिन के लिए यदि कहा जाए तो पुतिन जो है अपनी अंदरूनी राजनीति है उससे परेशान है, वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उठा पटक चल रही है, उस वजह से शायद जिनपिंग के अलावा पुतिन यहाँ पर नहीं आना चाहते। पुतिन पिछले काफी समय से रूस से बाहर नहीं गए हैं, रूस यूक्रेन को लेकर भी एक बड़ा मसला है, वो नहीं समझते थे कि शायद इस मसले की छाया, रूस यूक्रेन युद्ध की छाया उनकी मौजूदगी में G20 के समिट पर पड़े, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन वेस्ट के जो देश हैं जिनका दबदबा G20 में है, वो रूस यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से देख रहा है, क्या इस सब के बाद भी यहाँ पर कोई साझा घोषणा पत्र जो है जारी हो सकता है। यदि आपको बताऊं मैं कि पूरे एक साल से जो बैठकें हो रही हैं उसमें अभी तक कोई साझा घोषणा पत्र किसी भी मुद्दे पर जारी नहीं किया गया। उम्मीद की जा रही है कि जब शिखर सम्मेलन होगा तो उसमें जो है घोषणा पत्र जारी किया जाए। इसके अलावा इसी के साथ साथ बहुत सारे राष्ट्रों के साथ, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हमारी बायलैटरल यानी द्विपक्षीय मीटिंग्स भी होने वाली है कि उनमें अलग अलग देशों के साथ अलग अलग रिश्तों पर, खासतौर से ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर और तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, क्लाइमेट को लेकर भी भारत की बात हो रही है। और भारत ने कहा है कि ये जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इस पूरी समिट को देख रहे हैं कि दुनिया का फायदा हो, हर आदमी का फायदा हो, ये हमारी इच्छा है, केवल बिजनेस ही इच्छा नहीं है। तो ये एक नया जो टफ है जो प्रधानमंत्री ने दिया है, बहुत सारे देश यहाँ पर आ रहे हैं, 9 नए देश भी यहाँ पर आ रहे हैं और हिंदुस्तान की ताकत लगातार वैश्विक पैमाने पर, ग्लोबल स्केल पर बढ़ती जा रही है। इससे काफ़ी चीन परेशान है, पहले लग रहा था कि अमेरिका भी नहीं आएगा लेकिन जो बाइडेन साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आसियान की बैठक में है, वहाँ से वो शाम को लौटेंगे जकार्ता से और कल से इस काम में वो लग जाएंगे। तो क्या सवाल ये भी हो रहा है कि चीन को नहीं आने का फायदा या नुकसान मोदी सरकार को हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं आ रहे, नहीं तो एक नई परेशानी होती। कुछ लोग कहते कि जब तक कि सीमा विवाद नहीं
निपटाया गया है, तब तक उनकी अगवानी क्यों की जाए और रिश्तों को सामान्य कराने की कोशिश क्यों की जाए, तो इस विवाद से भी बच गए। विपक्ष जो है उस पर आरोप लगा सकता था, मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री पर और मौजूदा एनडीए सरकार पर, कि वो चीन के साथ रिश्तों में नरम बरत रहा है जबकि उनके साथ हमारे सीमा विवाद अभी तक बने हुए हैं। तो ऐसे में रेड कार्पेट वेलकम उनका करना एक मोदी सरकार के लिए या बीजेपी सरकार के लिए थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुश्किल का सबब हो सकता था। रूस को लेकर उस तरह की परेशानी नहीं है क्योंकि रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अंतरंग भी हैं, बहुत मजबूत भी हैं। तो पुतिन जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से और अन्य कारणों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, उसका बड़ा फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं खासतौर से, उनके साथ भी इस पर चर्चा होगी और भारत जो है ग्लोबल पैमाने पर, ग्लोबल मैप पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ब्राजील ने हिंदुस्तान की जो G20 की ताकत के साथ साथ G20 की तैयारियां हैं उसको देखकर कहा है, एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि आपने इतनी बेहतर तैयारियां की हैं G20 समिट की कि हमें, ब्राजील जो है आपको मैं बता दूं कि वो अगली बार इसकी अध्यक्षता करने वाला है, तो उनका अगली बार जब हम अध्यक्षता करेंगे तो हमें इस तरह के समारोह का आयोजन करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल होगी। तो इस तरह से उन्होंने उसकी तारीफ भी की है। अब विपक्ष इसको किस तरह से देखता है, मोदी सरकार की कोशिश होगी कि इस बहाने से, इस एक्सरसाइज से जो है वो मोदी जी का जो कद है वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्केल पर, ग्लोबल मैप पर, उसे बढ़ाया जाए। अभी आपको याद है कि हमारी कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड कप की टीम का घोषणा हुई थी, ऐलान हुआ था वर्ल्ड कप होने वाला है अगले महीनों में, और वहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत कर आए, का जो वर्ल्ड कप है उसको जीत कर आए, उसकी टीम डिक्लेयर हो गई है। लेकिन यदि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, डिप्लोमेसी को देखें, तो भारत सरकार की कोशिश है कि जो डिप्लोमेसी है, दूसरे देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, कामकाज है, उसका यदि वर्ल्ड कप हो तो वो भारत जीते, और उस वर्ल्ड कप का ये मौका है G20 देशों का सम्मेलन। हालांकि कांग्रेस और कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि इस पर इतना हायतौबा या हंगामा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भारत को भी ये मौका उसी साइकिल के तौर पर मिला है जो देशों को हर साल मिलता है। हालांकि भारत ने 2 साल पहले भी ये मौका था उसे छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ये साल इसलिए चुना कि अगले साल 2024 का चुनाव है और वो उस चुनाव के लिए इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो क्या ये सवाल बनता है कि 2024 के चुनावों में G20 समिट के सफल आयोजन का असर पड़ेगा, क्या इसका फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसका फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ एक और बात लगातार हो रही है कि प्रधानमंत्री तो अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी साहब, वो इस दौरान विदेश यात्रा पर चले गए हैं, तो वो वहां पर हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जब इतना बड़ा आयोजन देश में हो रहा है जहाँ 25 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस के नेता, विपक्ष के बड़े नेता को हिंदुस्तान से बाहर नहीं होना चाहिए, ये कोई राजनीतिक समझदारी की बात नहीं है, बल्कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था और जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ भी डिप्लोमेसी के स्तर पर भी और तमाम तरीकों पर आगे बढ़ना चाहिए और भारत की तरफ से ये एकता दिखाई देनी चाहिए थी कि विपक्ष पूरा भारत सरकार के साथ है, खासतौर से विदेशी मामलों को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अब इसका फायदा राहुल गांधी को होगा या नुकसान होगा, ये तो जब 2024 के चुनाव होंगे तब पता चलेगा। क्या नरेंद्र मोदी सरकार को इसका फायदा हो सकता है, इन चुनावों का फायदा हो सकता है, चुनावों में इसका फायदा हो सकता है G20 का, बहुत सारी बातें। अगले 3 दिन जो है लगातार बहुत सारी बैठकें होने वाली है, G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में ये सारे कार्यक्रम होंगे, वहीं शिखर सम्मेलन भी होगा और उन्हीं के जो रूम्स हैं, जो मीटिंग हॉल्स हैं, उनमें बाइलेटरल मीटिंग्स भी होंगी और कुछ राष्ट्राध्यक्ष दूसरी अपनी बैठकें भी वहां पर कर सकते हैं। वहां पर भी भारतीय मंडपम जो बना गया, भारत मंडपम जो बनाया गया प्रगति मैदान में, बिल्कुल अभी नया तैयार हुआ खासतौर से इस बैठक के लिए, उसमें भारतीय संस्कृति की पूरी झलक वहां पर है, देश भर की अलग अलग संस्कृति की झलक वहां पर दिखाई देती है। जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसमें भी तमाम तरह के फूड आइटम अलग अलग राज्यों से भी इसमें शामिल किए गए हैं, इसके साथ साथ मिलेट फूड को भी, यानी मोटे अनाज को भी शामिल किया गया है, तो वो भी भारत की छवि को मजबूत करने की एक्सरसाइज है कि भारत की संस्कृति को, छवि को कैसे मजबूत किया जाए। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ एक और बात हो गई,
जब अभी कुछ दिनों पहले ही जब ये G20 की तैयारी हो रही थी तो एक आमंत्रण जो है राष्ट्रपति की तरफ से आया, राष्ट्रपति ने आमंत्रण दिया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो उसको लेकर विवाद हो गया और विपक्ष ने कहा कि अब देश का नाम बदला जा रहा है और ये सरकार संविधान भी बदलना चाहती है। हालांकि सरकार ने इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की है कि वो देश का नाम बदलने जा रही है। संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत का जिक्र किया गया है, तो क्या इंडिया को हटाना चाहती है भारत सरकार, इस पर कोई चर्चा अभी नहीं की गई है। लेकिन चर्चा इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसके बाद 18 से 22 सितंबर तक भारत सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और उसका एजेंडा अभी तक नहीं बताया, उसका एजेंडा का खुलासा नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस विशेष सत्र में हो सकता है कि सरकार भारत का नाम, इंडिया का नाम, देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दे, जो अभी संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है उसे सिर्फ भारत कर दे एक संविधान संशोधन करके। लेकिन अभी इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन एक चीज मैं जोड़ देता हूँ इसमें कि ये संसद का सत्र 18 सितंबर 2023 को शुरू हो रहा है और इंडिया दैट इज भारत संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो पारित हुआ था 18 सितंबर 1949। क्या इन दोनों तारीखों का कोई तालमेल है, क्या कोई संयोग है, या सरकार ने ये जानकर इस तारीख को लिया है? ये भी बताया गया कि 18 सितंबर को जो सत्र का पहला दिन है वो पुरानी संसद में होगा और 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन से नई संसद में सरकार और पार्लियामेंट जो है काम करेगी। क्या इसको ये भी देखा जाए कि 18 सितंबर को जब पुरानी संसद में कार्यक्रम होगा तो उसके साथ साथ जिसके लिए सरकार ने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को विसर्जित कर दिया जाए और 19 सितंबर 2023 से भारत की संसद नए तरीके से अपने संसदीय भवन में काम करें। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर तो चर्चा फिर होती रहेगी कि जब तक है चलता ही रहेगा चर्चा, खासतौर से जब चुनाव हो रहे हैं तो उसकी चर्चा चलती रहेगी। लेकिन अभी बात है ग्लोबल पॉलिटिक्स की और क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मौजूदा भारत सरकार का सम्मान है या हिंदुस्तान के हर आदमी का सम्मान है? और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर आदमी जो है, हर व्यक्ति जो है, हर शख्स जो है, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय, हर इंडियन इस G20 का होस्ट है। तो हम होस्ट की तरह से इस पर बर्ताव करें और आने वाले अतिथियों का स्वागत दिल खोल कर करें और कोशिश करें कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। भारत की नहीं, भारत की श्रेष्ठता ही हमारी श्रेष्ठता है। और भारत जब आगे बढ़ता है तो हमारा सिर ऊंचा होता है, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं। इसका जो तगमा है सिर्फ नरेंद्र मोदी के सिर लगने वाला नहीं, क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को जाने वाला नहीं है। दुनिया के लोग भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को पहचानते हैं और यहाँ की मेजबानी को, यहाँ के इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगा। तो हम सब लोग कोशिश करें कि ये समिट में जो भी होगा वहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या हिस्सा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या हिस्सा है वो तो वहाँ जो लोग आएंगे वो देखेंगे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम कोई भी परेशानी हो उसके बाद भी इस समिट को सक्सेसफुल करने की कोशिश करें और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को 3 दिन के लिए थोड़ा सा अलग करके रखें। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर होगा और आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, तो आपका ख्याल रखते हैं। और इस वक्त तो G20 में शामिल होने वाले सभी देशों के प्रतिनिधियों का ध्यान रखना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नमस्कार, शुक्रिया।